sunshine and the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Good morning, and as I told you, breakfast amazing hai is hotel ka. Here it is, with lots of things. Start karte hai is colorful juices se. To bahut sare type ke shots se actually ye carrot ka, beetroot ka. This is green. Bread hai, butter, and this looked like paneer. Abhi taste karke pata chalega hai ki nahi. Cornflakes, and ye jo hai, ye definitely not mera nahi hai, kyunki main itni, jaise aapko pata hi chal gaya hoga, I am not a dessert person. Saurabh morning mein itna sara sweet khane wala hai. And fruits, ye bhi Saurabh hi khayega. Mujhe fruits bhi nahi acche lagte. Coffee and milk. So this is what is our luxury breakfast. हम करने जा रहे हैं हस्की राइड और छोटा सा हस्की राइड है सिर्फ एक्सपीरियंस लेना था कि आखिर होता कैसे है इसलिए करा है हमने सेंटा विलेज के अंदर ही ये बुक दिस इज़ आर टिकट और हाँ 2.5 किलोमीटर करेंगे का हस्की और 40 यूरो का टिकट था विच इज़ ऑलरेडी एक्सपेंसिव और 2.5 किलोमीटर्स ना हस्की जब दौड़ेंगे उसने बोला कि अगर आपको पूरा लॉन्ग डे हाफ डे एक्सपीरियंस करना हो देन यू हैव टू गो इन अ विल्डरनेस और बाहर जाके हस्की पार्क पर हमारे पास टाइम नहीं है आज क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं सेंटा विलेज हमने कहा ठीक है फॉरन एक्सपीरियंस हम यहाँ ये करते हैं फटाफट और करते हैं हस्की राइड और दिखाते हैं आपको कि ये छोटा सा 15 मिनट का हमारा एक्सपीरियंस आखिर कैसा रहता है सेंटा क्लॉस विलेज जो है वो एक्चुअली एक अम्यूजमेंट पार्क है मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ धुआं कितना रहा है सोच सकते हैं टेम्परेचर कितना कितना कम है -18 degrees और आ गए हम अम्यूजमेंट पार्क के में हस्की पार्क जैसे डिज्नीलैंड नहीं होता है बिल्कुल वैसा तो अभी क्यू में खड़ा होना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा अपनी चांस का और एक ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे तो सिर्फ हम दोनों नहीं होंगे और भी लोग होंगे जो स्लेज पे बैठे होंगे लेट्स सी हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑल सेट मेगा फॉर फर्स्ट हस्की एक्सपीरियंस यस डू यू हियर द बार्किंग हस्की एंड इट्स सो कोल्ड My one glove set is not working, so this is the another one. Okay. करने वाले हैं हस्की राइड और हमारे हस्कीज देख रहे हैं वो रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हस्कीज हैं एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि वो फटाफट दौड़ने लगे और हमने तो ग्रुप टू रोका बट अभी तो हम दोनों ही हैं अब मेरे आगे तो कोई और बैठ नहीं सकेगा शायद होपफुली फिंगर्स क्रॉस तो हमारा प्राइवेट टूर हो जाएगा इस बार हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्लेज में बैठ के मगर होपफुली नेक्स्ट टाइम जो हमको चांस मिलेगा कहीं हम इसको खुद ही राइड करेंगे हाँ अभी हम खुद राइड नहीं कर रहे राइड करने के लिए एक और लेडी है वो करेगी हम लोग सिर्फ आराम से बैठ के अच्छा भी है एक्चुअली आराम से वीडियो करेंगे 2.5 किलोमीटर तो है उतनी देर में तो फिनिश हो जाएगा फिनिश हो जाएगा और डरिएगा मत आवाज़ से हस्की है ना ऐसे ही आवाज़ निकालते कल भी हम गए थे वहाँ पर भी हस्कीज थे ऐसे ही कर रहे थे एंड दे आर सो ऑलवेज रेडी टू रन दे लाइक टू रन हाँ दे लाइक टू रन दैट्स व्हाट दे वांट उनको ऐसे खड़ा करके रखो ना अच्छा नहीं लगता है। I am so happy.
It was an awesome. Thank you. Thank you. Time to also say thank you to Huskies. What do they eat? Salmon? Salmon? I was like, I'm going to go to the house. पता नहीं आवाज आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी. आज हमने पूरे कपड़े इसलिए नहीं पहने क्योंकि शॉर्ट राइड था 15 मिनट का. आउटर लेयर जो हम पहनते थे इसमें रखा था 30 मिनट्स, तो उसकी जरूरत नहीं थी. अगर आप बाहर आते हैं हस्की पार्क में और लंबा करते हैं एडवेंचर तो वो आपको देंगे और देन यू विल नॉट फील दैट कोल्ड. पूरे लाल हो गए मेरे गाल. बट अमेजिंग था, मजा आ गया. अरे ऐसे दौड़ते हैं और फैमिली फ्रेंडली है. हाँ. आराम से आप कर सकते हैं बच्चों के साथ, आराम से बच्चे बैठ सकते हैं. और फिर और चला रहा था. हाँ. अगर हस्की पार्क में करेंगे तो खुद भी चला सकते हैं. तो अगर एडवेंचरस होना है तो वैसे करिए. अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आराम से इसे इस विलेज के अंदर ही आप कर सकते हैं. बस ये है कि 15-20 मिनट्स में खत्म हो जाता है. बट वी एंजॉय, वी हैव फन, वी हैव लॉट ऑफ फन. और अच्छा और सबसे बन के दिन में कर पा रहे हैं. लाइट है क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तो फिर कुछ भी मजा नहीं आता है, दिखता ही नहीं है. अभी तो आपने देख ही लिया होगा कितना अमेजिंग दिखा. सुपर हैप्पी, आई कैन डांस, आई एम दैट हैप्पी हस्की राइड करके. क्योंकि लगा था मुझे कि हस्की राइड होगी नहीं, बट हो गई. मेरे पास वाइपर नहीं है सौरभ का. हाँ, ये एक्चुअली सारे जो स्पेक्स बैठते हैं ना उनका प्रॉब्लम है कि ऐसा जम जाता है. बट मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हैप्पी हूँ कि मुझे अभी ठंड भी कम लग रही है. थोड़ी देर में लगेगी क्योंकि मुझे भी शायद नेक फॉर्मल पहन लेना चाहिए. मास्क से काम नहीं चलेगा.
बट अभी आई एम हैप्पी 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 मेरे क्लास देख रहे तो बहुत ही ठंड लग रहा था. सुविनियर शॉप में भी घूमे, उसके बाद भी ठंड लग रहा था, तो लगा अब जाके किसी रेस्टोरेंट में ही बैठ जाते हैं. तो एक कैफ़े में आए हैं, कैफ़े एंड रेस्टोरेंट. और क्या है मेरा आपके पास? दिस इज स्पेशल, जो हम लोगों ने क्रिसमस मार्केट में पिया था ना, अगर आपने हेलसिंकी का फर्स्ट वीडियो देखा है फूड टूर वाला, तो ये है ग्लोगी. ग्लोगी तो ये अल्कोहल वर्जन भी आता है और नॉन अल्कोहल वर्जन. सो दिस इज फॉर मी नॉन अल्कोहल वर्जन. मेरे पास है कैफे लाते फुल मिल्क. चीयर्स. ओह चीयर्स. साइज देख रहे हैं इसके, लेंथ देख रहे हैं. गर्म गर्म पी के बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत बहुत सर्दी है, -27 फील लाइक चल रहा है. हाँ टेम्परेचर अभी है -17 और ये अमेजिंग है. अगर आप आए ना फिनलैंड तो ये ज़रूर ट्राई करें. इट्स कॉल्ड ग्लोगी. फिर से भूल गए हम लोग. कॉल्गी ग्लोगी. GLOGI. बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है. दो दिन बाद, तीन दिन बाद क्रिसमस है. आज डेट क्या है? 22nd. यस. और यूके, यूएस अभी खुला हुआ है फिनलैंड सब लोगों के लिए विद सम रिस्ट्रिक्शंस, तो काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पर और इंडियन भी बहुत लोग हैं. और बैकग्राउंड में भी आपको एक इंडियन दिख रहे हैं बैठे हुए, अभी हम उनसे बात करते हैं. बट लेट्स एंजॉय कॉफी एंड माय ग्लोगी गोल्गी. साथ में लिया है ये स्वीट, एक छोटी कुकी, एक बड़ी कुकी. मेरे लिए है बिस्किट, ये तो इंडिया में भी मिलता है ऐसा वाला. अरे है सिनेमन कुकी. -17 डिग्री टेम्परेचर तो बाहर, और फील लाइक -27. और हस्की राइड कर लिया है हमने और अमेजिंग एक्सपीरियंस था, आपको पता चल ही गया है. और सनसेट के वीडियोस कैसे लगे? जो सनसेट के वीडियोस डाले अमेजिंग थे ना. तो सनसेट के सनराइज नहीं हुआ था, बट जो सन के कलर्स आ रहे थे वो होराइजन पर सन से चल रहा था. अमेजिंग. तो अब जाएंगे थोड़ा रेस्ट लेंगे और फिर जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने. या तो घर पे ही खा लेंगे पैक करा के, या जाएंगे. बट दिखते रहिए आप ये वीडियो. हम लोगों को जब हम हस्की राइड करके बाहर आए थे तो प्रिया और जॉय मिले थे सांता क्लॉस विलेज में, और उनका जो होटल है वो हमारे होटल से जस्ट पास में है. तो जब चार इंडियंस साथ में मिल रहे हैं तो डिनर करने कहाँ जाना चाहिए? इंडियन रेस्टोरेंट ऑफ कोर्स. तो हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं और उन लोग वो लोग भी वहीं आ रहे हैं, तो हम लोग कहा चलो साथ में चारों डिनर करेंगे और इंडियन खाना खाएंगे वापस आर्टिक सर्कल में रोवनियमी में. और ये हमारी यहाँ पर लास्ट नाइट है. कल हम लोग दूसरे एक प्लेस, एक और नया एडवेंचर करने वाले हैं और उसके बाद वी विल हेड बैक टू हेलसिंकी. आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ के है ना फुटपाथ आखिर कैसे होते हैं. लेट मी शो यू. ये जिस पे मैं चल रही हूँ ये है फुटपाथ. पूरा स्नो में है और कभी कभी है ना आइस हो जाता है, तो थोड़ा केयरफुल होना चाहिए. ग्रिप देख रहे हैं ना, ऐसा ग्रिप इम्पॉर्टेंट है. और ये जो है ये है गार्डन फुली कवर्ड विथ स्नो. वो देख रहे हैं वो बेंच है जहाँ पे ऐसे ऑरेंज कलर के वो स्टिक्स लगे, और उधर है मेन रोड. और ऐसे ये पहाड़ देख रहे हैं, ये पूरा स्नो से पहाड़ बन गया है. तो ये जो फुटपाथ को खाली करते हैं चलने के लिए या मेन रोड को खाली करते हैं चलने के लिए, तो फिर वो पूरा स्नो जो इकट्ठा होता है मशीन से वो ऐसे पहाड़ी पे बन जाता है पहाड़ी. तो दिख रहा है आपको पीछे इंडिया का फ्लैग, और वही है इंडियन रेस्टोरेंट और उसका नाम है रंग महल. तो करते हैं रोड क्रॉस और खाते हैं कुछ आर्टिक सर्कल में इंडियन खाना. हेलो. सो अगेन प्रिया एंड जॉय. सो नाउ वी विल हैव सम फूड And we'll talk. Hello. I am so happy to see you. Yeah, I am happy
Hello. Prima, you should say hi. You will come on YouTube. So that's hi, how. Thanks, Meghan, and Saurabh, for having me on your channel today. It's really a dream come true. I mean, thank you all for this technology. That's all. मैंने राइस ले लिया और राइस पे ना घी डला हुआ है तो मुझे एक बात याद आ गई मेरे नेबर्स ना वो मराठी थे जहाँ मैं बचपन में रहती थी और मुझे राइस के ऊपर घी डाल के खाना बहुत अच्छा लगता था तो मैं अपने नेबर्स के घर भी जाती थी उन्हें ये बात पता थी तो वो हमेशा मुझसे बोलते थे जैसे घी को मराठी में तूप बोलते तो तूप चाऊ चाहिए तूप चाऊ चाहिए और मैं बोलती थी हाँ चावल को बचपन में ऐसे कर देते हैं ना क्यूटनेस में और वैसे ही मस्त घी डला हुआ है तो मज़ा आ गया खाने में बहुत खा लिया अभी तो राइस फुल है और अब राइस फुल है तो मैं एक बार और लूँगा देन आई एम डन सो वी वर हैविंग डिनर एंड वी मेट सुदीप्ता एंड पूजा हेलो फ्रॉम लक्जमबर्ग या आवर नेबर्स वी आर फ्रॉम नेदरलैंड्स या आई वी हैव सीन मेनी वीडियोस ऑफ योर्स या दोस आर रियली नाइस और अब इतने शॉर्ट्स ले लिए हैं चाय के इतने ही शॉर्ट्स तो उसके भी लेते हैं हम यहाँ की ब्यूटी के इसको चाय से घर पे घर नहीं करूँगा बट चाय अच्छी है बिल्कुल इंडियन टाइप की मसाला चाय उबाल उबाल का बनाई हुई अदरक डाल के हाँ अदरक भी है इलायची भी है मस्त अच्छी है मज़ा आ रहा है वैसे मैं चाय पी रहा था पैकेट वाली चाय वो भी काफ़ी अच्छी थी बट हाँ इसकी बात अलग ही है इस चाय एक पत्ती डाल के तो खोला के बनती है उसकी कोई टक्कर नहीं है और इसके तो साइज भी है बिल्कुल सौरभ के जैसा चाहिए था ना इतना बड़ा कप मैं चाय कम करने वाला हूँ अभी जस्ट सी दिस द साइज ऑफ द कप पर मैं चाय कम कर दूंगा ये पक्की बात है यू गाइस विल सी या थैंक यू शेफ व्हाट्स योर नेम माय नेम इज सुनील सुनील I am from India, from Darjeeling. From Darjeeling? West Bengal. Oh, nice. And the food was really amazing. Thank you so much. And from how long you are here? We are almost now 10 years. Oh, 10 years in no, here, in yes. Rio. And because, aapko Hindi aata hai? इंडिया का हिंदी तो बोलना ही पड़ेगा तो मैं बोल रही थी कि हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ आर्कटिक रीजन में एक इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा क्योंकि मेरे यहाँ इधर बहुत बड़े बड़े ग्रुप आते हैं इंडिया से अच्छा जो ट्रिप आते हैं हाँ ट्रिप आते हैं आपको दिल्ली बॉम्बे गुजरात बिग बिग ग्रुप इज कमिंग बट ये अभी ये कोरोना की वजह से दो साल से अभी बंद है क्यों लोग आ नहीं सकते हाँ तो अभी छोटे छोटे लोग हम लोग जैसे लोग आ रहे ओके थैंक यू सो मच ओके वेलकम खा लिया है मस्त बहुत सारा खाना फिर से देसी खाना देसी कपल ऑन द गो ना देसी खाना बहुत खा रहा है इस ट्रिप पे अच्छा खाना था आज भी हमने पालक पनीर मंगाया था मटर पनीर की जगह और वेजिटेबल कोफ्ता ही मंगाए थे और आज का दिन बहुत अच्छा रहा अपन ने हस्की राइड कर लिया हाँ। फिर प्रिया और जॉय इससे मिली और उनके साथ यहाँ पे डिनर कर लिया और ऑनलाइन प्रीमा से बात कर लिया जो कि अगेन हमारे चैनल को देखती है और इतना मिलकर इतना अच्छा लगा ना वी आर सो हैप्पी एंड फील सो ब्लेस्ड एज वेल आई थिंक क्योंकि आप लोगों का ये जो प्यार और सपोर्ट है हमारे चैनल को जब आप हमसे मिलते हैं कभी यूरोप में ऐसे घूमते हुए हेलसिंकी में भी लोग मिले थे फिनलैंड यहाँ पर रोवेनियमी
मिले और इवन आर्टिक ग्लास होटल में भी हमको लोग मिल गए थे. सो वी फील रियली ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू गॉड एंड टू ऑल ऑफ यू हु गिव सो मच लव एंड सपोर्ट टू अस एंड आवर वीडियो एंड आवर चैनल. आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर. क्या आप हस्की राइड करेंगे लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक और इंस्टा पे तो फॉलो कर रहे हैं ना. सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है. टिल देन बाय बाय.